साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रीजनिंग में आपका स्वागत करता हूं। अब मेरा टॉपिक चेंज हो चुका है, पहले अब तक मैं बोलता था कि मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं, अब से मैं आपसे बोलूंगा रीजनिंग में आपका स्वागत करता हूं। इसी स्वागत के आधार पर आप इस बात को समझ चुके होंगे कि अब हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं या कहो जिस एक मुद्दे की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं वह है तर्क शक्ति अर्थात रीजनिंग। जिस तरह से आपके मेरे पास फीडबैक मिले थे या जिस तरीके से अपने हम सब ने मिलकर मैथ्स की जो सीरीज को सफल बनाया है या आपने जो अपने फीडबैक के थ्रू मेरे में उत्साह भरा है और आपकी ही एक आवश्यकता को लेकर मैं इस एक टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूं, रीजनिंग तर्क शक्ति। तर्क का अर्थ क्या होता है और शक्ति का अर्थ क्या होता है? तर्क का अर्थ बहुत सरल शब्दों में कहूं तो जहां पर आपको अपने मस्तिष्क का सबसे बेहतर इस्तेमाल करना हो या जिस भी पहलू में आप फंसे हुए हो और अपने मस्तिष्क के सहारे केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपने उस मुसीबत को टाटा बाय बाय कर दिया हो, वो सब कुछ तर्क शक्ति है। शक्ति माने पावर, मतलब आपके मन को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की पावर को ही हम तर्क शक्ति बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो आपका आज जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, एक तरीके से हम लोग इसमें केवल रीजनिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको कुछ बेसिक चीजें समझाऊंगा जो आपके ओवरऑल जो रीजनिंग है उसमें काम आएगी। और जाहिर सी बात है, जब भी हम कोई टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे, हर टॉपिक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो उस टॉपिक को निखारता है। जैसा कि आपने मैथ्स के अंदर भी देखा था, मैथ्स के अंदर भी हमने क्या किया था कि सबसे पहले किसी भी टॉपिक का एक बेसिक पकड़ा था और उस बेसिक को डेवलप किया था आगे तक। ठीक बात, यहां पर भी हम यही काम करने वाले हैं, लेकिन यहां पर एक अंतर पड़ेगा। क्या अंतर पड़ेगा? मैथ्स के अंदर हमने क्या किया था कि जैसे एक कोई प्रश्न है या कोई तरीका है, उस तरीके का एक प्रश्न या दो प्रश्न मैंने आपके सामने रखे थे ओनली, और बाकी का मैंने आपके ऊपर छोड़ा था कि अब आप इस तरीके के प्रश्नों को कीजिए। यहां पर क्या होगा कि मेरे को आपके सामने अधिक से अधिक प्रश्नों को परोसना पड़ेगा। उसका रीजन आप समझ जाएंगे क्यों मैं ऐसी बात कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक अनोखा पन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, लाइफ ऑफ लाइफ। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4। तेरा नंबर आ गया, all the best। Good morning everyone। The topic of my speech is environment। Environment is the surrounding in which we live। It is a source of life। Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड।
रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन समय की है आवाज यही सुगम भारत अभियान सफल हो सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों सरकारी कार्यालयों स्कूल अस्पताल पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन बस स्टॉप एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है ताकि दृष्टि बाधित श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांग जन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत सशक्त भारत विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार। एक्सेसिबल इंडियन करेंसी कैंपेन पैसे का आकार एक सा हो चला है छूने से उलझन ना मिट पाएगी अब पैसा कैसे जोड़ोगे जब खुद ही ना जुड़ोगे। मैं रोहित त्रिवेदी दृष्टिहीन नागरिक भोपाल से पैसा पूछे पहचान कौन। आई रजनी गोपाल ब्लाइंड सिटीजन फ्रॉम बैंगलोर पैसा पूछे पहचान कौन। इस्तेमाल के लायक ना सही पैसा ताकत देता है यदि छूने से अंतर ना पहचानोगे तो इस पैसे की ताकत को कैसे अपनाओगे। हम दृष्टिहीन नागरिकों द्वारा हमारे हित में कॉइन्स नोट्स एवं डिजिटल करेंसी के बदलाव को समर्थन दीजिए। लॉगिन कीजिए tinyurl.com/AIC petition यानी के tinyurl.com/AIC petition। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक कीजिए tinyurl.com/facebook AIC। एक्सेसिबल इंडियन करेंसी कैंपेन लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी अब आपकी। आप रीजनिंग के अंदर क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं वो आप एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले आप पढ़ेंगे सीरीज कंप्लीशन। सीरीज कंप्लीशन में क्या होता है आपको कोई सीरीज को कंप्लीट करना होता है। वो सीरीज आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज हो सकती है नंबर्स की सीरीज हो सकती है या अल्फा न्यूमरिक मतलब आपके अल्फाबेट और नंबर की मिली जुली सीरीज हो सकती है ठीक है। उसके बाद हम लोग तो जरूरत के हिसाब से टॉपिक को चेंज करेंगे जहां मुझे लगता है कि सीरीज कंप्लीशन के बाद कोडिंग डिकोडिंग आनी चाहिए तो कोडिंग डिकोडिंग लेंगे। अगर मुझे को महसूस होगा कि नहीं ब्लड रिलेशन पहले लेना चाहिए वो मैं अपने अनुसार सीक्वेंस बनाऊंगा। लेकिन आपको पढ़ना क्या क्या है वो एक बार समझ लीजिए। एक आपको टॉपिक है सीरीज कंप्लीशन, दूसरा आपका टॉपिक है एनालॉजी। ओके एनालॉजी आपके लिए थोड़ा टफ बैठेगा लेकिन करना आवश्यक है क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। तो जितना मेरे को लगेगा कि आपको यहां ये बताना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए एनालॉजी की एक शर्त है वो शर्त ये है कि आप जब एनालॉजी पर हम लोग आएंगे उससे पहले मैं आपसे जरूर कहूंगा कि इंग्लिश का अध्ययन अधिक से अधिक स्टार्ट कर दीजिए। इंग्लिश की बुकैप आप अच्छे से अच्छे स्टार्ट कर दीजिए। जब आप इंग्लिश की बुकैप को अच्छे से तैयार कर लेंगे ठीक है मतलब आपने इंग्लिश पर थोड़ी सी अपनी पकड़ बना ली ठीक है वो ही चीज आपको एनालॉजी में फायदा देगी ओनली और कोई चीज फायदा नहीं दे सकती क्योंकि एनालॉजी आपकी इंग्लिश को टेस्ट करती है और एक या दो प्रश्न एनालॉजी का परीक्षा में पूछा जाता है। एक प्रश्न तो मिनिमम पूछा ही जाता है और इससे फायदा आपको क्या होगा कि जो इंग्लिश का पेपर आता है मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में 3 या 4 सेक्शन रहते हैं हमेशा जिसमें इंग्लिश सेक्शंस कंपलसरी ही रहता है तो इंग्लिश भी आप अपने तैयार कर लेंगे इसके सहारे। एक टॉपिक क्या आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है या मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं ऑड मैन आउट मतलब 4 ऑप्शन है तो 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे एक ऑप्शन अलग होगा उस एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है मतलब वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं। ये क्लासिफिकेशन भी इंग्लिश से संबंधित हो सकते हैं
मैथमेटिक्स से संबंधित हो सकते हैं, अल्फाबेट से संबंधित हो सकते हैं, या अन्य कोई भी चीज इसमें समावेश की जा सकती है, वो सब हम लोग अध्ययन करें। एक टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का अर्थ समझिए क्या होता है, कि आपने आपको कोई संदेश देना है गुप्त में किसी को, ठीक है, गुप्त संदेश देना चाहते हो, तो आप क्या चाहते हो कि भाई तीसरा व्यक्ति समझ ना पाए कि हमने क्या लिखा है। मतलब मान लीजिए आपने लिखा है, आपको लिखना है डॉक्टर, ठीक है, आपने डॉक्टर का अपने माइंड में कोड सेट किया हुआ है कि डॉक्टर को मैं बोलूंगा प्लस का निशान, तो सामने वाले को मालूम होगा कि प्लस का निशान क्या है, डॉक्टर का निशान है। या हो सकता है कि डॉक्टर के लिए आप क्या शब्द का प्रयोग कर लो, भाई आपने डॉक्टर के स्थान पर मान लीजिए नर्स शब्द का प्रयोग किया हुआ है, कि जब मैं नर्स लिखूंगा तो सामने वाला तो समझ जाएगा कि नर्स का अर्थ यहाँ डॉक्टर है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो अगर किसी के हाथ में लेटर भी पड़ जाए वो वाला मैसेज का, तो वो ना पढ़ पाए, ना समझ पाए कि ये क्या चीज लिखी हुई है, ठीक बात। इसी कोडिंग का मतलब क्या हो गया कि भाई आपने गुप्त चीज लिखी, या अपने जो शब्द एक्चुअल में होना चाहिए था उसके स्थान पर किसी अन्य शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है, और उसमें आपको रीजनिंग का कैसे बखूबी इस्तेमाल होता है वो मैं आपको बताऊंगा। एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां। सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudaan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है, तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी। नमस्ते, नानु कन्नडद ध्वनि अल्पना। नमस्कार, आमी बांग्ला आवाज पाया। నమస్కారం, నేను తెలుగు స్వరం గీతను. వణకం, నాన్ తమిళరిన కురల్ వాణి. నమస్తే, మే హిందీ కి ఆవాజ్ నీల్ హూ. హాయ్, ఐ యామ్ రిషి, వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇంగ్లీష్. जब ये इंडियन वॉइसेस एक साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में जुड़ती हैं, तो बनता है इंडो NVDA. तो दोस्तों, अब आप खुद को इंडो NVDA के और करीब पाएंगे जब आप भारत की इन भाषाओं में NVDA की आवाज़ सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो NVDA खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 01164650655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी न्यू राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली 110060। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है, और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम एक मिनट यही रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ, और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित,
काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। एक आपका टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या चीज होती है कि आपका फलाने व्यक्ति से क्या संबंध है, जैसे आपके चाचा के मौसा, इस तरीके से चीजों को डेवलप करते हैं। ठीक, जैसे एक सिंपल शब्दों में कहूं कि आपकी मदर के ब्रदर आपके क्या लगे, आपकी मदर के ब्रदर आपके क्या लगे, तो आप उनको क्या बोलते हो जनरल लैंग्वेज में, मामा। ठीक बात, या हम यहां पे हम बोलेंगे मैटरनल अंकल इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, अगला एक आपका टॉपिक आता है पजल टेस्ट। आपको वहां पर गुत्थियां आएंगी कुछ, उनको सुलझाना होगा। ठीक है, पजल टेस्ट होता है, वो आएगा, वो हम वहां पे ऑपरेट करेंगे इसको। इसी तरीके के आपके कई सारे टॉपिक होते हैं जिसको हम सीक्वेंस वाइज या एक आवश्यकता अनुसार लेकर चलेंगे। एक आपका टॉपिक होता है रैंकिंग का। रैंकिंग क्या चीज होती है वो आप सबसे पहले ही समझ लेंगे, क्योंकि मैं जब बेसिक समझाऊंगा तो आपको रैंकिंग चीज समझ में आ जाएगी। ओके, क्योंकि बेसिक को डेवलपमेंट रैंकिंग करती है, या कहूं रैंकिंग को डेवलपमेंट बेसिक करता है। एक टॉपिक और होता है जो बहुत बार आजकल पूछा भी जाता है, उसका नाम है सिलोलिज्म। ठीक है, सिलोलिज्म आपने देखा होगा कि ऑल मैन आर हॉर्स, ऑल ए आर बी, सम मैन आर विमेन, इस तरीके से देता है ना प्रश्न, तो इनको बोलते हैं सिलोलिज्म। इनको हल करने का तरीका भी हम लोग सीखेंगे। तो एक्चुअलिटी देखी जाए या समरी रूप में देखा जाए तो हमारे पास यहां पर सीखने के लिए भरपूर है, भरपूर। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसा कि मेरे पास दो तीन लोगों के फीडबैक ये आए थे कि परीक्षा में रीजनिंग के क्वेश्चन देखते डर जाते हैं या पेज पलट के अंग्रेजी या जीके पर पहुंच जाते हैं। मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन को बहुत ही टफ स्तर का मानते हैं, पर कोई बात नहीं, हम उस डर पर जो आपने इसको टफ मानकर इसको छोड़ा या ऐसे डर के आपने छोड़ा, उस डर को हम लोगों का उद्देश्य क्या है, मिटा देना। या पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस डर को अपने माइंड से धीमे धीमे करके कम करना। जब आप एक टॉपिक को समझेंगे तो आपका जो डर है वो 50% तक कम हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आने लगेगा रीजनिंग कि यह वाकई में क्या चीज चल रही है। तो आपका इससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा कि यस आई कैन डू, यस आई कैन। ओके, चलिए, आप लोगों के यहां पर मेरे को फीडबैक मैथ की अपेक्षा ज्यादा चाहिए। उसका रीजन यह है कि हो सकता है कि मैं जिस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं उसके लिए आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो, या आप उसमें और अच्छा माइंड लगा पा रहे हो, क्योंकि पॉसिबल है पूरा का पूरा। तो आप भी अपने फीडबैक मेरे को बताइए, बताइए कि ये सवाल इस तरीके से करते हैं तो और बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या ये भी संभव है कि मैं आपको समझाऊं आपको समझ में ही ना आ पाए। ठीक है, तो वहां पर भी आपको मेरी हेल्प करनी होगी। और आप मेरी हेल्प कैसे करेंगे, अपना फीडबैक देकर। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं, रीजनिंग को समझाना मेरे लिए एक चुनौती भरा कार्य भी रहेगा। वो क्यों रहेगा वो आप समझेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम रीजनिंग में बढ़ेंगे आप समझेंगे बिल्कुल कि मैं क्यों कह रहा हूं कि रीजनिंग मेरे लिए एक चुनौती है समझाना। ओके, इट्स लाइट ऑफ लाइफ।
varieties of music. And more, so keep listening. Radio Udaan. दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. मेरा टावल कहां पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू डेली पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा मुझा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढूं? काश आपने समय पर रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। हमने अब तक इंट्रोडक्शन देख लिया था रीजनिंग का, कि क्या चीज आपको पढ़नी है और उस टॉपिक में पर्टिकुलरली क्या चीज होती है। अब हम लोग जिस तरह से आगे बढ़ेंगे उसमें सबसे पहला क्रम है बेसिक नॉलेज। यहाँ बेसिक नॉलेज का अर्थ बहुत सरल है कि मैं आपको पहली चीज ये सिखाऊंगा कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आता है। ये मेरे लिए सबसे बेसिक पॉइंट है रीजनिंग के अंदर, ठीक है। इसको अपन लोग जब समझ लेंगे फिर उसके बाद हम लोग नंबर सीरीज की ओर मूव कर जाएंगे, संभवतः अगले लेक्चर में। यहां हमारा बेसिक उद्देश्य क्या है कि अल्फाबेट के क्रम को समझना, रटना नहीं, समझना कि कौन सा अल्फाबेट किस एक नंबर पर आ रहा है। किस एक नंबर पर आ रहा है से मेरा मतलब है जब मैं आपसे बोलता हूं अल्फाबेट पी का नंबर क्या है, जब हम ए से स्टार्ट करते हैं तो अल्फाबेट जो पी है वो कौन से नंबर पर आ रहा है, तो आपको काउंट ना करना पड़े कि ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके आप पी तक पहुंचो तब आप मेरे को बताओ नंबर 16। नहीं, जब मैं आपसे बोलूं कि अल्फाबेट पी बताओ तो अल्फाबेट पी के बाद तुरंत आपकी जुबान पर एक ही शब्द आना चाहिए, 16वां नंबर। जब मैं आपसे बोलूं कि अल्फाबेट एस बताओ तो आपके माइंड में तुरंत एक ही नंबर क्लिक करना चाहिए, वो है 19। जब मैं आपसे बोलूं कि अल्फाबेट आई तो 9 बोलिएगा।
ये चीज आपको कैसे कवर करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको मालूम होगा कि हमारे इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं। अगर मैं आपको मौका दूं एक मिनट का, तो क्या आप रिकॉल कर सकते हैं पूरे अल्फाबेट्स को लाइन से? आपको हो सकता है कि बचकाने लग रहा हो कि बताओ बचपन में ABCD छोड़े थे, दोबारा पकड़वा रहे हैं। यस, दोबारा ही पकड़वा रहा हो, क्योंकि उस टाइम आपने जो पढ़ा था वो अलग अंदाज था और आज जो आप पढ़ रहे हो वो एक अलग ही अंदाज होना चाहिए। चलिए मैं ही एक बार ABCD को रिकॉल कर देता हूं पूरी को, ओके। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक। ये आपके टोटल 26 अल्फाबेट है। क्या हम इन अल्फाबेट्स को जेड से स्टार्ट करके बोल सकते हैं? चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है। मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, आप लोगों के लिए नया होगा। चलिए आप लोग साथ दीजिए, करते हैं। जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी आर क्यू पी ओ एन एम एल ओके के जे आई एच, एच के बाद आपका आएगा जी एफ ई डी सी बी ए। हम थोड़ा सा अटके लेकिन कवर कर लिए पूरा, ठीक है। अटके क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं है। और ये मैं आपको क्यों बताऊंगा कि प्रैक्टिस में मेरा तो बिल्कुल नहीं हो पाता प्रैक्टिस में, पर आपके लिए आवश्यक बिल्कुल है कि आपको प्रैक्टिस में होना चाहिए। मैंने जो चीज सहारा लिया, मैं अगर वाकई में इसको एक बार में बोल पाया, तो उसका पीछे रीजन था कि मैं कैलकुलेट कर रहा था अपने माइंड में। क्या चीज कैलकुलेट कर रहा था? जैसे जब मेरे माइंड में क्यू आया, उस समय पर मेरे माइंड में 17 आया था कि मैं कैसे इस चीज को पढ़ रहा था, समझिए 26 25 24 23, मैं इस तरीके से इस चीज को कवर कर पा रहा था। इसीलिए मैं शायद एक बार में बिना गलती करे कर गया कवर, ओके। यही चीज आपके लिए आवश्यक है कि आप ए से लेकर जेड तक और जेड से लेकर ए तक एक दो बार दिन में जरूर प्रैक्टिस कीजिए, जब तक हम लोग बेसिक को समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको दोनों ही तरफ से नंबर्स याद रहे कि यार जेड से स्टार्ट होता है तो ऐसे, ए से स्टार्ट होगा तो इस तरीके से, ठीक है। संभवतः आपको याद है, लेकिन जेड से लेकर ए तक आपने मुश्किल से एक या दो बार अब तक ट्राई किया होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्राई जरूर कीजिएगा, ओके। और जिस समय पर आप समझिए, जैसे आप ABCDEF इस तरीके से बोलते हैं, इसी तरह से जब आपको ZYXWVUT जब इस तरीके से बोलने लग जाए जल्द से जल्दी से जल्दी, तो समझ लीजिए आपका अल्फाबेट अच्छे से तैयार है, ओके। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है, मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडियो के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है, मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद।
मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सेकेंड चीज, अब हम अल्फाबेट का क्रम याद करने का तरीका समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो फॉर्मूला इसके लिए देने वाला हूं वो है ईजोती। ये पर्टिकुलर मेरा फॉर्मूला नहीं है, ये जो फॉर्मूला है वो किताबों में भी आ चुका है, वो है ईजोती, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई। ईजोती का अर्थ क्या समझिए, ई का प्लेस 5, जे का प्लेस 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25, मतलब 5 की ये टेबल बन जाती है और एक अच्छा नाम मिल जाता है आपको, ईजोती। इज इट क्लियर नाउ? तो आपके 5 अल्फाबेट तैयार हो गए आपके। अब मतलब अब आपसे यदि मैं पूछूंगा टी तो आपके माइंड में जाएगा तुरंत 20, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला याद हो चुका है, अब वो है ई ज्योति। मतलब आपके माइंड में जब भी ई जे ओ टी वाई इनमें से कोई भी अल्फाबेट क्लिक करेगा या आपके सामने प्रस्तुत होगा तो आपको ई ज्योति याद आ जाएगा और आप तुरंत समझ जाएंगे कि 5 की टेबल में ही है। अगर मैं आपसे बोलूंगा जे तो आप कहेंगे 10, अगर मैं आपसे कहूंगा ओ तो आप कहेंगे 15, ई 5 और वाई का 25। ई जे ओ टी वाई एक सिंपल शब्द, और सिंपल शब्द के साथ साथ 5 की टेबल के एक सीक्वेंस है जो आपको मदद करेगी काफी हद तक अल्फाबेट को याद करने में। यहां तक क्लियर है? और आपके सामने जब मैं एक एक शब्द पर एक एक अल्फाबेट पर जोर दूंगा तो कुछ एक अल्फाबेट को आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, देखिएगा कैसे। ओके, 4 ऐसे अल्फाबेट है जो आपको निश्चित तौर पर याद होंगे, 5 बल्कि, ए बी सी डी और जेड। जेड आप तुरंत कह दो कि यार ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और जेड का 26, क्योंकि 26 अल्फाबेट है। ये बात तो आपको मालूम ही है कि अगर 26 अल्फाबेट है तो जेड का तो नंबर 26 ही होगा ना, तो आपको याद करने की आवश्यकता तो उसको भी नहीं पड़ी, और ए बी सी डी इन चारों को भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि आप अच्छे से आपके माइंड में आपको मालूम है कि ए बी सी डी आप हमेशा बोलते हो, कहीं भी बोलोगे ए बी सी डी को स्टार्ट करोगे, अल्फाबेट को स्टार्ट करते हो तो ए बी सी डी ये 4 अल्फाबेट ही आप बोलते हो, और आपको इसलिए इनका क्रम याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है क्योंकि ये आपके एक माइंड में सेट है। तो आप तुरंत कह सकते हो कि ए का 1, वी का 2, सी का 3, डी का 4 और जेड को भी आप बोल सकते हो तुरंत 26। क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? यार क्या करूं, दुखी कर दिया है घर वालों ने, लड़की ढूंढ शादी कर ले, उनको समझ नहीं आता मैं ब्लाइंड हूं, कहां से ढूंढूं लड़की, जिस भी वेबसाइट पे जाता हूँ एक भी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है। तो चिंता किस बात की, आज ही डाउनलोड करें इनक्लब, INCLOV, अ फुली एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव ऐप जो कर सकता है आपके सपनों को साकार और दिला सकता है आपको आपका मन चाहा लाइफ पार्टनर। इसे आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आज ही लॉग इन करें www.inclub.com और कॉल करें 01244034567। हैप्पी मैच मेकिंग। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग।
हमने कितने अल्फाबेट तैयार कर लिए? 5 ईजोती वाले, 5 ABCD और Z, राइट? 10 अल्फाबेट तैयार हो गए, बचे कितने? 16 अल्फाबेट, ठीक है? ओके, अब आप एक चीज बताएं, मैं आपको एक दो लेटर बता रहा हूं, एक दो अल्फाबेट बता रहा हूं, उसको याद करने की ट्रिक साथ में बता रहा हूं। एम को हम लोग एम होता है 13, 13 को हिंदी में हम लोग बोलते हैं 13 बोलते हैं। अगर मैं इसको बोलूं मैं तेरा हूं, आई एम योर्स, इंग्लिश में नहीं बोलना, लेकिन मैं तेरा हूं एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी हिंदी की लाइन है जो आपको एम फॉर 13 याद कराने के लिए एक अच्छी लाइन है। मैं मतलब एम, तेरा मतलब 13, हूं मैं तेरा हूं, ये एक मेरी डेवलपमेंट लाइन है जिससे मुझे याद रहता है, तो मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं, ओके, ताकि आप इस चीज को याद कर पाओ। अगला अल्फाबेट तैयार करते हैं। देखिए, ई ज्योति, EJOTY, ई ज्योति से हम लोग कैसे हेल्प ले सकते हैं, समझिए। आपको जब आप ई बोलोगे, अगर मैं आपसे पूछूं ई के बाद अल्फाबेट क्या आता है, आप बोलोगे एफ। ई से पहले क्या आता है, आप कहोगे डी। भले ही आपको पहले वाला याद ना आए, लेकिन बाद वाला तुरंत क्लिक कर जाएगा। जे के बाद के, ओ के बाद पी, टी के बाद यू, वाई के बाद जेड, ये तुरंत आपके माइंड को क्लिक करेगा। आगे वाला, पीछे वाला संभवतः ना कर पाए इतना, लेकिन आगे वाला जरूर करेगा, क्योंकि आपने अल्फाबेट बचपन से पढ़े हुए हैं, और जो चीज शुरुआत से पढ़ते वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और बल्कि मैं कहूं कि अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। अनकॉन्शियस माइंड में बैठने का मतलब है कि यदि मैं आपसे, आप सो रहे हो, फिर मैं आपसे पूछूं ए के बाद क्या आता है, तो आप तुरंत कहोगे बी। आपको सोचने की भी आवश्यकता जहां ना पड़े, समझ लो वो चीज अनकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है, ठीक है? तो अगर मैं इस तरीके से देखूं, ई के बाद एफ, जे के बाद के, ओ के बाद पी, टी के बाद यू, और वाई के बाद जेड। जेड हम पहले भी कर चुके हैं तैयार, इसे जेड को आप रिमूव कर दीजिए यहां से। 4 अल्फाबेट आपने न्यू तैयार कर लिए इस तरीके से, एफ पी, यस पी, यू एंड व्हाट रिमेन, के, एफ के पी क्यू, सॉरी पी यू, ये आपने 4 अल्फाबेट तैयार कर लिए। मतलब अब आपके सामने जब पूछा जाएगा कि यू का कोड क्या है, आप कहोगे 21। याद रखना, कोडिंग डिकोडिंग में बहुत काम आने वाला है ये चीज, नंबर सीरीज में बहुत काम आने वाला है, मतलब जो हम अल्फाबेट सीरीज पढ़ेंगे या नंबर सीरीज भी पढ़ेंगे या अल्फा न्यूमरिक पढ़ेंगे, उन सब में खासी मदद करेगा ये, बहुत मदद करेगा, ठीक है? मैं डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे, CCPD, रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूँ। नई नई सूचनाओं जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान। धन्यवाद। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो हमने टोटल कितने अल्फाबेट तैयार करे? 14, और एक मैं तेरा हूं करके 15 अल्फाबेट हमने तैयार किए। बचे कितने? 11 अल्फाबेट। ओके, चलिए अब एक बार ये देखते हैं कि कौन कौन से अल्फाबेट बचे। देखो, ABCDEF, 6 अल्फाबेट आप शुरुआत के कवर कर चुके हो, एक आपका बचता है जी, ठीक है? जी के बाद एच, एच के बाद आई, GHI, ये 3 अल्फाबेट हैं पहले जो बचे हैं आपके। फिर आप J कर चुके हो, K कर चुके हो, L आपने नहीं किया, ठीक है? M कर चुके हो, N नहीं किया। मैं जब बोलता जा रहा हूं ना, आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद आप काउंट कर रहे हो कि N का 14 हो गया,
GHI जब मैंने बोला तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर गया होगा 7-8-9। जान रहा हूं इस चीज को। आप इसी तरीके से काम कीजिए। बिल्कुल, ओ आपने कर लिया है, पी आपने कर लिया है, लेकिन क्यू नहीं किया। ठीक, क्यू के बाद आर नहीं किया, एस नहीं किया, टी किया हुआ है, यू कर लिया है, वी नहीं किया, डब्ल्यू नहीं किया और एक्स नहीं किया। ये आपने टोटल 11 अल्फाबेट नहीं करे और 15 अल्फाबेट आप कर चुके हो। सोचो 15 अल्फाबेट का आपको क्रम याद हो गया एक ही बार में आज। पी का कोड बताइए, 16, राइट। चलिए ठीक है, कुछ एक कोड और याद करते हैं। ट्रिक नहीं है, साधारण रूप से याद करते हैं। वैसे मेरा तो जनरली ये मानना है जो इजोती फॉर्मूला है तो ई के पहले वाला ई के बाद वाला दोनों तैयार होने चाहिए। जे है अगला, जे से पहले आई और जे के बाद के याद होना चाहिए, मेरा पर्सनल मानना है ओनली। ओ के बाद का पी, ओ से पहले का एन याद होना चाहिए। ओके, टी के बाद का और डी के पहले का कोड याद होना चाहिए और वाई से पहले वाई के बाद का कोड आपको याद होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं एन का कोड बताओ, तो एन का कोड बताने के लिए आपके पास दो चीजें हो गई। अब एक तो एम, एम से आपने तुरंत माइंड में क्या क्लिक किया, 13, तो एन को आप तुरंत बोल दोगे 14। या ओ आपके माइंड में क्लियर है कि ओ और 15, तो ओ से पहले एन आता है तो वो हो गया 14। या फिर मैं आपसे बोलूं एस, तो अब आपके माइंड में क्या चीज क्लिक करनी चाहिए कि एस जो है, एस के बाद क्या आता है, टी। आपके माइंड में क्या चीज क्लिक करेगी, एस के बाद आता है टी और टी का कोड आपने इजोटी से 20 पढ़ा हुआ है तो एस फॉर 19 हो गया। जब मैं बोल रहा हूं आपके सामने आर, तो आप आर का भले ही आपको कोड याद ना हो, आप कैसे याद करोगे इसको, आर के बाद अल्फाबेट चेक करो कौन सा आता है। आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी फॉर 20 तो आर फॉर 18। आपको क्या करना है, इजोती की मदद से कंपेयर करते जाना है। समझ रहे हो? My son is 23 years old. He just graduated. Pata hai aapko? He has never really enjoyed his school picnics or family outings. Hum saath to chalte hain, lekin he has never experienced a regular holiday. The things you and me do, see, jaise playing in the sea, exploring new places, it's always been a half experience for him. Bas gaye aur aa gaye. कुछ खास नहीं किया। कई बार तो मैं बहुत डरी हुई भी रहती हूं कि विल देयर बी एनीबॉडी टू हेल्प हिम एट एवरी स्टेज इन हिज लाइफ। इट्स टाइम फॉर अ चेंज। आई नॉमिनेटेड माय सन फॉर एनेबल ट्रैवल 70 ट्रिप्स टू फ्रीडम। अब वो अपनी पहली रियल हॉलिडे पर जाएगा एंड मे बी ही विल रीलिव ऑल दोज मेमोरीज ऑफ हिज लॉस्ट हॉलीडेज। Nominate your disabled friend or your disabled family member for Enable Travel's 70 Trips to Freedom. Send them on the best holiday of their life. मैं आपसे बोल रहा हूं डब्लू, डब्लू के बाद अल्फाबेट एक्स, मान लो आपको याद नहीं है, एक्स के बाद क्या सर्च करोगे, वाई, वाई फॉर 25 तो डब्लू फॉर 23। इस तरीके से कंपेयर करोगे आप, क्योंकि आपके पास क्या है, अब एक साधन हो गया। आपके पास पांच ऐसे अल्फाबेट आपको तैयार हैं जो आपके जो भी अल्फाबेट आएंगे उसके इर्द गिर्द ही घूमेंगे, बल्कि पांच की जगह 10 तैयार है क्योंकि उसके बाद वाला आपको तैयार है। ठीक है, जेड आपको तैयार है, ए बी सी डी आपको तैयार है, एम आपको तैयार है। तो जब ये आपको इतना मटेरियल तैयार है तो आसपास के अल्फाबेट को आप इस तरीके से घुमा सकते हो। एस बोलता हूं तो एस के बाद टी माइंड में होना चाहिए और टी फॉर 20 तो एस फॉर 19। अगर एल बोलता हूं तो एल के बाद क्या है, 13, क्योंकि एम फॉर 13 एम है ना।
और M for आपने याद किया वो 13, तो L for 12, just like this. ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कौन से अल्फाबेट के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है. ठीक, अगर ये माइंड में सेट है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको कंफ्यूजन होगा तैयार करने में अल्फाबेट्स. और जब हमने इतनी बातें करी हैं अल्फाबेट्स के ऊपर, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत कुछ अल्फाबेट माइंड में क्लिक हो गए होंगे. जैसे आपके सामने जी आया, अब जी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट क्यों पड़ा आपको, जी के बाद एच का कोड नहीं मालूम आपको, आई का कोड नहीं मालूम, फिर जे का कोड मालूम है. ठीक बात, लेकिन जी से पहले का तो कोड मालूम है ना आपको, एफ, क्योंकि शुरुआती अल्फाबेट है इसलिए आप तुरंत कैच करोगे. जी का से पहले आपने देखा एफ है, यार एफ का तो 6 होता है, तो जी का आप तुरंत क्या बोलोगे, 7. ठीक है, इस तरीके से हम इस चीज को कवर करते हैं अल्फाबेट्स को. मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ एक अल्फाबेट याद हुए होंगे, आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा कि यार बताओ अल्फाबेट भी इस तरीके से याद किए जा सकते हैं. ये जो लोग रीजनिंग को कर रहे हैं उनको भी हो सकता है कि कुछ चीज नहीं मिली हो, ठीक है, या फिर उन्होंने हो सकता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को पढ़ा हो तो उनके लिए बहुत सामान्य लगा हो. या और मैं यदि आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपके पास कोई ट्रिक है और याद करने की, अल्फाबेट्स को याद करने की, या जो अल्फाबेट मैंने आपको बताए उनको ही और याद करने की, तो आप मेरे को मैसेज करें, मेरे को बताएं, मैं उसको अपने लेक्चर में शामिल करके सबके साथ शेयर करूं. ठीक, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मेरे को आपकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी इस टॉपिक के अंदर. ओके, अब हम नंबर सीरीज के साथ अगला लेक्चर शुरू करेंगे और नंबर्स की सीरीज के बेसिक को समझते हुए आगे बढ़ेंगे. अभी तक दोस्तों हमने दो चीजों को पढ़ा है. पहला हमने देखा इंट्रोडक्शन, कि क्या क्या आपको आगे पढ़ना है, और दूसरा हमने अल्फाबेट्स के क्रम को समझा. अल्फाबेट की बात करते हुए मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, ठीक है, उस पर हम लोग बात करते हैं पहले, और जैसे ही उस पर बात खत्म होगी उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और शुरुआत करेंगे नंबर सीरीज या सीरीज से. ठीक है, वो क्या बात थी वो समझ लीजिए आप पहले. उसका नाम है फॉर्मूला 27, फॉर्मूला 27. फॉर्मूला 27 क्या है ये आप समझ लीजिए एक बार. बहुत सिंपल फॉर्मूला है और ये ऐसा फॉर्मूला है कि जब आप आने वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला आपके नए रूप में काम में आएगा. फॉर्मूला 27 ये कहता है कि जैसे M का स्थान 13 है, राइट, जब हम स्टार्ट करते हैं A से, A B C D से स्टार्ट करते हैं, तो M का प्लेस क्या आता है, 13, राइट. लेकिन वही मैं आपसे पूछूं कि यदि हम पीछे से स्टार्ट करें, अर्थात Z Y X W, यहां से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तब M का स्थान क्या आएगा. ये भी तो एक प्रश्न है ना, कि पीछे से जब हम स्टार्ट करेंगे तब M का स्थान क्या है. समझिए इस चीज को, इसके लिए ही जनरेशन फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला 27. मतलब यदि हम 27 में से 13 को माइनस कर देंगे, 13 को माइनस क्यों, क्योंकि जब हम A से स्टार्ट करते हैं तो M का स्थान है 13. इसलिए जब हम 27 में से 13 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 14. अब आप चाहो तो इसको प्रैक्टिकल करके एक बार देख लेते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. Z Y X W V U T S R Q P O N एंड देन M. आप काउंटिंग करेंगे तो कहां आएगा, 14. इसका मतलब हमारा आंसर सही है, राइट. और भी प्रैक्टिकल करके देखिए, H का स्थान है 8, और यदि पीछे से देखा जाए तो 27 माइनस 8 19. गॉट इट.
हर बार हमें कहां से यहां पे सर्च आउट करना पड़ेगा 27 से। लेकिन 27 हमने क्यों लिया, ये भी तो एक प्रश्न है। जितने नंबर्स होते हैं उसमें हम लोग एक ऐड कर देते हैं, ये एक जनरल रूल समझ लीजिए। यहां पर टोटल नंबर्स अल्फाबेट कितने होते हैं 26, तो एक उसमें ऐड कर देंगे, इसका मतलब हो जाएगा 27। बस जनरल रूल को आपको समझना है कि जितने हैं उसमें एक को ऐड कर दो, बहुत सरल है। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पी का स्थान है 16, पीछे से क्या होगा 11, 27 माइनस 16 11। इसी तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, 27 में से अल्फाबेट को आप माइनस कर दोगे, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ये एक चीज थी जो मैं बताना उस एक लेक्चर पर्टिकुलर लेक्चर में मिस कर गया था, भूल गया था, और जस्ट मेरे को अभी ध्यान आया तो मैंने कहा आपको बता दो। ओके चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरीज। जैसा कि मैंने शायद इंट्रोडक्शन के लेक्चर में आपसे कहा था कि हम लोग यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने वाले हैं। ये ज्यादा इसलिए होंगे क्योंकि रीजनिंग के अंतर्गत हर प्रश्न कहीं ना कहीं कोई नए रूप को धारण कर लेता है। ये इसकी आप खासियत समझ लीजिए रीजनिंग के अंदर, कि हर प्रश्न अपने आप में एक अनोखा सिद्ध हो जाता है। ये बात सही है कि एक तरह के प्रश्न के 5-6 प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन उनके रूप बदल जाएंगे। या एक नंबर सीरीज की बात करूंगा तो आप खुद महसूस करेंगे कि कितने तरह की सीरीज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। आप मे भी कंफ्यूज हो सकते हो कि यार किस तरह का रूल्स लगाकर हम चेक कर रहे हैं कि यार ये नंबर सीरीज में कैसे हम लोग सर्च कर रहे हैं। ये सब होगा, निश्चित होगा, आपके साथ थोड़ी सी मेहनत जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है। लेकिन आप यदि मेरी कुछ बातों को ध्यान रखते हो तो ये बात निश्चित है कि कहीं ना कहीं आप सही आंसर तक शीघ्र पहुंच सकते। कमाल की बात यह होती है कि आप यदि टाइम को थोड़ा ज्यादा स्पेंड करते हो तो आप निश्चित रूप से 90% क्वेश्चंस रीजनिंग के आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन यदि टाइमली सॉल्व करने की बात हो तो वहां पर एक्यूरेसी कम आ पाती। इसलिए हम लोगों का उद्देश्य ये रहेगा कि मैं आपको एक तो अधिक से अधिक प्रश्नों का यहां पर अभ्यास कराऊं, ओके, और साथ में कुछ ऐसे बेसिक रूल्स इसमें बताते जाऊं ताकि आपको ये लगे कि हाँ हम अगर 2-3 ऐसे बेसिक रूल्स है अगर इनको हम अपनाते हैं सबसे पहले तो मे भी हम अपने आंसर्स पर सबसे ज्यादा पहले पहुंचेंगे। ये मेरा कहीं से सीखा हुआ चीज नहीं है, ये मेरे सिर्फ अनुभव के बाद या मेरे अभ्यास का एक परिणाम है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। आई थिंक यहां तक आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। सबसे पहले आप समझिए कि नंबर सीरीज का एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि नंबर सीरीज एक्चुअल में मैं किस मामले में बात कर रहा हूं। एक सीरीज है आपके सामने 1, 6, 15 क्वेश्चन मार्क 45, 66, 91। नाउ यू हैव टू टेल कि क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या नंबर आएगा। या फिर एक और एग्जांपल देता हूं 0, 6, 24, 60, 120, 210 क्वेश्चन मार्क। ये इस तरह के जो सीरीज है वह प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, और इन प्रश्नों की संख्या 4 से 5 तक हो जाती है एक एग्जाम के अंतर्गत, इससे ऊपर भी हो सकती है। 4-5 तो नॉर्मली वो लोग पूछते हैं, चाहे नंबर सीरीज हो
अल्फा सीरीज हो या अल्फा न्यूमरिक सीरीज हो, अल्फा मतलब अल्फाबेट की सीरीज हो या अल्फाबेट और न्यूमरिक को मिलाकर सीरीज हो, ऐसे प्रश्न आपके 4 से 5 तो निश्चित रूप से रहते ही हैं, जो आपकी से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न इनमें से हो सकता टफ होता है, बाकी सब इजी होते हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ सकती है, ध्यान से आप इन प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे आगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, आपको सब्ट्रैक्शन रूल सबसे ज्यादा अपनाना है और सबसे पहले अपनाना है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। पहली बात एक चीज और समझिए कि सीरीज का अर्थ है क्या। सीरीज का अर्थ यहां होता है एक पैटर्न, कि कहीं ना कहीं कोई पैटर्न अपनाया हुआ होता है। हो सकता है कि सभी का अंतर समान हो, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक बात करता हूं एक सीरीज की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और अगला पूछूं आपसे क्या आएगा तो आप आसानी से बता दोगे 11। क्यों आपने 11 बताया? क्योंकि आपने एक पैटर्न देखा। कैसा पैटर्न देखा? कि 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। या दूसरे रूप में कहें कि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, मतलब उससे पहले वाले को हम यदि माइनस कर देंगे तो 1 का डिफरेंस आ रहा है पूरे में। इसका मतलब ये एक पैटर्न है। चलिए एक और सीरीज में आपको देता हूं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 क्वेश्चन मार्क। अब भी आप आसानी से बता दोगे 13 आएगा। क्यों आपने बताया? आपने देखा सब में 2-2 का गैप है, राइट। आपने देखा कि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि अब या उल्टा बोल सकते हैं कि 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, और 11 के बाद क्वेश्चन मार्क है, यानी कि 11 में कितने जोड़ेंगे 2, कितना हो जाएगा 13, 13 आपने बोल दिया आंसर। आपने कहीं ना कहीं किसी पैटर्न को अपनाया। यह जो सीरीज होती है वो किसी ना किसी पैटर्न पर अपनाई हुई होती है। एक और एग्जाम्पल देता हूं, आप इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि आगे जब हम सीरीज को मेन सीरीज पर आगे बढ़ेंगे या प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे तब आपको एहसास होगा कि हम लोग जो हमने अभी अभ्यास कर रहे हैं वो कितना काम आएगा। चलिए एक सीरीज आपको देता हूं, 3, 6, 9, 12, 15 क्वेश्चन मार्क। अब आप एक चीज में नोट कर सकते हो कि यहां पर 3 की टेबल पढ़ी जा रही है, या फिर यो कह लो कि 3 का डिफरेंस है, बात एक ही है। इसको हम यो भी देख सकते हैं कि यहां एक 3 की टेबल पढ़ी जा रही है, 3, 6, 9, 12, 15 क्या आएगा फिर 18। तो इस तरीके के प्रश्न आपके सामने आएंगे। मैं आपको सीरीज के रूप बता रहा हूं, किस किस रूप में सीरीज को ढाला जाता है, ठीक है। एक बार यदि आपने इस रूप को पकड़ लिया तो विश्वास मानिए फिर आप आसानी से कवर कर जाएंगे, ठीक है। तो आपने कई तरह के पैटर्न अभी मैंने आपको समझाए हैं, और मान के चलिए कि जितने मैंने आपको समझाए हैं वो बहुत ही कम है, अभी तो ये काफी पैटर्न्स आने वाले हैं। एक काम अब आपको करना है वो यह है कि आप स्क्वायर्स और क्यूब को याद कर लीजिए, अगर आपने याद अभी तक नहीं किए हैं तो बहुत मदद करने वाला है। कुछ अवाज्य संख्याओं को एक बार स्टडी कर लीजिए, मतलब प्राइम नंबर्स की आप एक बार स्टडी कर लीजिए, ठीक है। आपके पास कोई और तरीका हो इस तरह के प्रश्नों को डील करने का, वो आप मेरे को फीडबैक में बताएंगे, ठीक है। हम लोग प्रश्नों को आगे लेंगे और समझेंगे, और आपसे मैं उम्मीद करूंगा प्लीज मेरे को अपना फीडबैक दें। मैं हर बार कहता हूं आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यहां पर ही विदा चाहूंगा, मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।